हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वीएलसीसी के गोल्ड फेशियल किट के बारे में। ये जो पैक है 275 रुपीज़ का पैक है, एंड इससे छोटा वाला सैशे भी आपको मिलता है, आप वो भी बाय कर सकते हैं। बट ये जो है, मैंने ये वाला बाय किया है। ये दिखा देती हूँ मैं आपको कैसा है। ये इस टाइप से ट्यूब की फॉर्म में आपको मिल जाता है गाइस, एंड ये 2 to 3 times के लिए आपके लिए आराम से यूज़ हो सकता है। एंड इसे अगर आप मतलब 3% भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और 1 ही % इसको 3 बार यूज़ कर सकता है। एंड इसको यूज़ करने का जो प्रोसीजर है, उन्होंने बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं, ये देखिए, सॉरी, ये है, यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। एंड आपको कैसे कैसे इसे यूज़ करना है वो भी लिखा हुआ है। स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में आपको क्लींस करना है स्किन को, स्टेप 2 में स्क्रब है, स्टेप 3 में जेल है, एंड स्टेप 4 में क्रीम है, एंड स्टेप 5 में फाइनली मास्क है। एंड किस तरीके से आपको इसे अप्लाई करना है, मतलब कि मसाज किस तरीके से करनी है, वो भी उन्होंने दिया हुआ है। ये स्क्रब है तो इन्होंने ऐसे छोटा छोटा ऐसे ये बनाया हुआ है कि आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में करना है। एंड जेल को आपने यहाँ पर फोरहेड पे कैसे करना है, चिक्स पे कैसे करना है, वो सब इन्होंने स्टेप्स भी बताए हुए हैं। एंड क्रीम से आपने किस तरीके से मसाज करनी है वो स्टेप्स भी बताए हुए हैं। एंड देन आपको मास्क कैसे अप्लाई करना है, बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है इन्होंने। एंड ये देखिए, ये है स्टेप 1 में है टोनर, और ये रहा हमारा स्टेप 2 का। एक्चुअली मैंने इसे यूज़ किया था तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, मैंने लाइन वाइज नहीं रखे। ये स्टेप 2 का है, स्क्रब है, एंड ये पील ऑफ मास्क, ये रहा स्टेप 3। स्टेप 3 में ये जेल है, एंड स्टेप 4 में हमारी गोल्ड क्रीम है, एंड स्टेप 5 में हमारी पील ऑफ मास्क है। पील ऑफ मास्क आपके लिए ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि किसी किसी की स्किन पे पील ऑफ मास्क सूट नहीं होता है। तो अगर आपकी स्किन पर मास्क सूट नहीं होता है तो आप इसे अप्लाई ना करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड स्टेप 6 में ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल है, ये आप ज़रूर से अप्लाई करें, क्योंकि इससे फेशियल करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस जेल को अप्लाई करने से। एंड गाइस, ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे हमें इसको यूज़ करना है, एंड ये किस किस के लिए सूटेबल है। तो ये हर किसी स्किन के लिए सूटेबल है, बट जो लड़कियाँ मैरिज पर्पज से फेशियल कराना चाहती हैं तो उनके लिए एडवाइस है कि एक बार शादी से 2-3 महीने पहले आप इसको एक बार यूज़ करके देखें। अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं मिलते हैं तो आप इसे कम से कम 2 बार यूज़ करें, क्योंकि पहली बार में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। आप इसे 2 बार यूज़ करके देखें, और अगर फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कोई और अप्लाई करें। VLCC के काफ़ी सारे और भी फ्लेवर्स हैं, आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई ये वाला आपकी स्किन को सूट ना करे तो दूसरा वाला कर जाए। एक्चुअली हुआ क्या, इसको मैंने यूज़ करा तो मेरी स्किन पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स के मिले, बट मेरी सिस्टर ने इसे यूज़ करा तो उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। तो ये सूट करने की बात है गाइस, वैसे तो कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है इसका, सब ठीक है, अच्छा है, बट आप यूज़ करने से पहले एक बार देख लीजिए। बाकी आप इसे बिना किसी डाउट के खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा फेशियल किट है ये। ये था मेरा आज का रिव्यू, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।